जय भोले बाबा जी की, जय गौ माता जी की। देखिए भोले बाबा जी के आशीर्वाद से आज गौ माता जी के लिए पपीते के पत्तों का भंडारा है। और गौ माता जी देखिए पपीते के पत्तों को कितना खुश होकर खाती हैं। ये देखिए हमारी छोटी किशोरी भी खा रही है। कल हमने बहुत सारे पपीते के पत्ते तोड़े थे, अभी गौ माता जी के लिए हम रोज़ सुबह थोड़े थोड़े 3-4 दिन डालेंगे। सुबह सुबह खाली पेट पपीते के पत्ते खिलाना गौ माता जी के लिए अच्छा होता है। ये देखिए, ये देखिए, और हमारी गौ माताएँ बड़ी खुश होकर खाती है पपीते के पत्तों को। ये देखो हमारी किशोरी भी खा रही है, गौरी भी खा रही है, और राधा भी खा रही है, लक्ष्मी भी खा रही है। भोले बाबा जी सदा हम पर अपनी कृपा इसी प्रकार बनाए रखें ताकि गौ सेवा में इसी पर लग रहे हैं। बहुत ही पौष्टिक होते हैं ये, गौ माता को छोटे मोटे रोगों से बचाते हैं, डीवॉर्मिंग के लिए भी अच्छे होते हैं पपीते के पत्ते, और काफ़ी फ़ायदा करते हैं गौ माता जी को। ये देखिए, ये देखिए, ये लक्ष्मी ने तो चट कर दिया अपना जो नमक रखा हुआ है, वो देखो ये गौरी का नमक रखा हुआ था, वाइट ब्लैक दोनों। ये नमक कहाँ गया? अच्छा ये था, मैं वो कह रहा नमक कहाँ गया। कितना खुश होकर खा रही हैं गौ माताएं। जय भोले बाबा जी की, जय गौ माता जी की।